Hi children, Jai Swaminarayan. We will continue our lesson number 3. But today is our new topic is using subtraction to find the missing number in addition. अगर आपने कोई नंबर दो नंबर्स को एडिशन किया है, फॉर एग्जाम्पल टू नंबर्स वी विल टेक फर्स्ट, दो नंबर का एडिशन किया है और उसका आंसर आपको मिला 13. ओके, आपके पास सिर्फ यही नंबर है और आपको फाइंड आउट करना है कि आपने 10 में ऐसा क्या ऐड किया है कि आपको 30 मिला है. ओके, सो व्हाट यू विल डू हियर चिल्ड्रन, दैट यू हैव टू फाइंड आउट दिस मिसिंग नंबर. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, दिस 30 यू विल टेक हियर, 30 माइनस वॉट एवर नंबर हैज गिवन दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर, 30 माइनस 10. 30 करो यहाँ पे, माइनस 10 करो, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 1 2, सो यू विल गेट 20 हियर. 10 प्लस 20 यू विल गेट 30. आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? वेरी वेरी सिंपल थिंग इज हियर. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक हियर दैट 50 प्लस व्हाट आई हैव डन हियर, which number I have add here, then I will get 100. So how I will find out here? 100 minus 50 I will do, then I will get the answer. Okay, so 100 minus 50 here we will do, 0 minus 0, 0, cut 1, write 0, 1, 0, 10, 10 minus 5, 10 minus 5, 5 is remaining. So 100 minus 50, you will get 50 here. You will write here 50, then you will get the answer. 50 plus 50, 100. So missing number, if you want to find out, then the total number has given. From that, you have to give a number, you have to subtract here. And you are checking subtraction with addition. Agar aapne koi bhi subtraction kiya hai, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका किया हुआ आंसर, मीन्स आपका किया हुआ सब्ट्रैक्शन का आंसर राइट है कि रॉन्ग है. ओके, दैट वी विल सी हियर. दिस इज द लार्जर नंबर. लार्जर नंबर में से हम लोग स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं और जो आंसर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस. ओके, नाउ हियर वी विल सी, दिस इज द वंस प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस. 9 माइनस 3, 3 देन 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 is remaining here. And 3 minus 1, that is a 2. Now, if you want to check this answer, अगर आपको ये आंसर को चेक करना है कि आपने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो राइट है कि रॉन्ग है, तो कैसे करना है आपको? ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दिस स्मॉलर नंबर एंड डिफरेंस. ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो और अगर आपको ये लार्जर नंबर सेम टू सेम मिल जाता है, दैट मीन्स योर सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट. आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? क्या करना है आपको यहाँ पे? डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर करना है. अगर ये दोनों को प्लस करते हो आप और अगर आपको लार्जर नंबर सेम टू सेम मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका सब्ट्रैक्शन करेक्ट है. वी विल सी हियर, 26 ये डिफरेंस है आपका, और 13 ये स्मॉलर नंबर है. वी विल ऐड दिस टू नंबर्स हियर, डिफरेंस प्लस स्मॉलर या स्मॉलर प्लस डिफरेंस करो, दोनों सेम है. ओके, एडिशन में जैसे आप देखते हो कि 3 प्लस 2 करो तो भी 5 है, 2 प्लस 3 करो तो भी 5 है. सो स्मॉलर नंबर प्लस डिफरेंस करना है यहाँ पे, और अगर आपको लार्जर नंबर यहाँ पे मिलता है, दैट वी विल सी. 6 plus 3, 6 then 7, 8, 9. 9 is here. 2 plus 1, that is a 3. So 39 as a larger number you will compare here. देखो यहाँ पे ये 39 आपको मिला, इसका मतलब क्या है कि आपने जो subtraction किया है वो right है. Are you getting it? We will see the exercise 3.5. Write the missing numbers. Okay. यहाँ पे सेकेंड नंबर मिसिंग है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर मिसिंग है. आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, एडेंस को आपको फाइंड आउट करना है. हाँ, द
तो यहाँ पे 7 तो आपको दिया है और ये है वो टोटल नंबर है 15। 7 प्लस आपने ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड किया है कि आपको 15 आंसर मिला, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सो व्हाट यू विल डू हियर, 15 माइनस 7 करोगे तो आपको ये सेकंड नंबर यू विल गेट। आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? सो व्हाट यू हैव टू डू, 15 माइनस 7, 7 देन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, 8, 7 प्लस आपने क्या किया है, जो आपको 15 मिला, तो आपने क्या किया है, 15 माइनस 7 किया तो आपको मिला यहाँ पे 8. सो दिस इज योर आंसर, 7 प्लस 8 इक्वल टू 15. आया समझ में? बहुत इजी है। फर्स्ट एडेंट हो या सेकेंड, ये सेकेंड एडेंट आपने फाइंड आउट किया, यहाँ पे आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है। कोई भी नंबर हो, अगर आपने एडिशन यहाँ पे किया है और अगर आपको यहाँ पे टोटल नंबर दिया है और कोई भी मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो टोटल नंबर में से वो नंबर को आपको माइनस करना है। गिवन नंबर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर फ्रॉम द टोटल नंबर। आर यू गेटिंग? नाउ हियर वी विल सी मिसिंग नंबर फर्स्ट वन हैज गिवन प्लस 44। आपने ऐसा क्या किया है, 44 में आपने कितने ऐड किए जो आपको 68 आंसर मिला, दैट इज योर क्वेश्चन हियर। व्हाट यू विल डू, 68 माइनस 44। एक्सरसाइज 3.5, सिक्स्थ वन वी आर डूइंग हियर। ओके, 8 माइनस 4, 4 देन 5, 6, 7, 8, 4 इज रिमेनिंग। 6 माइनस 4, 4 देन 5 एंड 6, 2 इज रिमेनिंग। सो दिस इज योर आंसर, 24 प्लस 44 यू विल गेट 68। आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? मिसिंग नंबर को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो टोटल नंबर में से वॉट एवर नंबर हैज गिवन दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, देन यू विल गेट द सेकेंड वन एट। आर यू गेटिंग? वेरी वेरी सिंपल। अगर फर्स्ट वन फाइंड आउट करना है या सेकेंड वन फाइंड आउट करना है, जो भी टोटल नंबर है उसमें से दिया गया नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, बहुत ईजी है। एक्सरसाइज 3.6, वर्ड सम्स आर देयर, 5 वर्ड सम्स आर देयर, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन आई विल डू एंड 3 यू हैव टू डू इन होमवर्क। ओके, फर्स्ट वन आई विल रीड, 26 चिल्ड्रन आर देयर इन प्ले ग्राउंड, 11 आर गर्ल्स, हाउ मेनी आर बॉयज। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 26 चिल्ड्रन है प्ले ग्राउंड में, उसमें से 11 है वो गर्ल्स है और आपको बॉयज के नंबर फाइंड आउट करने हैं, यानी टोटल नंबर आपको दिए हैं उसमें से गर्ल्स कितनी है, 11 है और आपको बॉयज को फाइंड आउट करना है, दैट इज अवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, हाँ, जितना वर्किंग के लिए रखते हो उससे भी डबल आपको स्टेटमेंट के लिए रखना है, क्योंकि वर्किंग में बहुत छोटा काम है और स्टेटमेंट में आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चिल्ड्रन करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉयज को फाइंड आउट करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे। ओके, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं यहाँ पे, 26। नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स, अब पूरा हम लोग NUM BER ऐसे नहीं लिखते, NO डॉट करो, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर ऑफ गर्ल्स वेरी शॉर्ट में लिख रहे हो आप यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 11, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ बॉयज। ओके, 6 माइनस 1 दैट इज अ 5, सो यू विल राइट हियर 5 एंड 2 माइनस 1 दैट इज अ 1, सो नंबर ऑफ बॉयज कितने आए, 15। देयर आर 15 बॉयज इन द प्लेग्राउंड। लास्ट में आंसर करके आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यहाँ पे जैसे दिया है ना, हाउ मैनी आर बॉयज, सो लास्ट में आंसर करके आप लिखोगे देयर आर 15 बॉयज इन द प्लेग्राउंड। ओके, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देयर आर 85 चिलीज ऑन अ प्लांट, एक प्लांट है उसके ऊपर कितनी चिलीज है, 85। नाउ 49 चिलीज फेल ऑफ, उसमें से 49 चिलीज है वो नीचे गिर जाती है, हाउ मेनी चिलीज वेर लेफ्ट ऑन द प्लांट, प्लांट पे कितनी चिलीज अब बची है वो आपको फाइंड आउट करना है।
वॉट यू हैव टू डू चिल्ड्रन हियर, यू हैव टू ड्रॉ द बॉक्स. वर्किंग के लिए जितनी भी आप प्लेस छोड़ते हो उससे भी डबल आपको स्टेटमेंट के लिए छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है. वर्किंग में बहुत कम प्लेस चाहिए. आर यू गेटिंग नाउ व्हाट यू विल डू हियर? आपको जितनी चिलीज बची है वो फाइंड आउट करनी है. लेफ्ट व्हाट इज हियर मीन्स आपको माइनस करनी है जितनी चिलीज गिर गई है, और जितनी बची है वो आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज द चिली ऑन अ प्लान, या तो टोटल नंबर ऑफ चिलीज ऑन अ प्लान. बने उतने सेंटेंसेस स्मॉल करो कि आपका रॉन्ग ना हो. चिलीज ऑन अ प्लान दैट इज 85. नाउ नंबर ऑफ चिलीज फेल ऑफ, यानी जितनी चिलीज नीचे गिर गई उसका नंबर है 49. ओके, नंबर ऑफ चिलीज लेफ्ट ऑन द प्लान, कितनी चिलीज बची है वो आपको फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट यू विल डू, 5 - 9 दैट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट यू विल डू हियर, कट 8 राइट 7 15. यहाँ से आपने एक 10 लिया है, 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 9 9 देन 10 11 12 13 14 15. हाउ मेनी इज रिमेनिंग, दैट इज अ 6. 7 माइनस 4 4 देन 5 6 7 दैट इज अ 3. Now, what you will write here, last question was how many chilies were left on the plant. Filling the blanks, chilies were left on the plant, that is a 36 chilies were left on the plant. So, बहुत easy है, question जो दिया है, उसमें से ही आपको ये statement बनाने है. Last one answer करके आप लिख सकते हो जो last question पूछा है. Okay, now. Here we will see the exercise 3.8. Four sums diye, addition, subtraction, sab saath mein diye. What you have to do here, word sums on addition, subtraction, dono mila ke mix mein diye. Aapko kya karna hai? If you will see the words like in all, agar aapne wahan pe in all together, total, अगर ये वर्ड्स अगर आपने वो क्वेश्चन में देखे, इफ यू विल सी द वर्ड्स लाइक इन ऑल, ऑल टुगेदर, टोटल इन द क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द एडिशन. आपको क्या करना है वहां पे, एडिशन करना है. ओके, नाउ सेकंड थिंग इज इफ यू सी द वर्ड्स लाइक लेफ्ट, मोर, लेस, डिफरेंस, अगर ये सारे वर्ड्स अगर वो आप क्वेश्चन में देखते हो, अगर आपने रीड केयरफुली किया और आपको फाइंड, आप फाइंड करते हो वहाँ के कि लेफ्ट, मोर, लेस, डिफरेंस, अगर ऐसे वर्ड्स यूज हुए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. सो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, यू विल राइट द स्टेटमेंट एंड यू विल डू द वर्किंग. बहुत ईजी है, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो, read it carefully, whatever words has given that you have to find out, think ki haan, in all, all together, total hai to plus karna hai, less, more, left, difference, ye sare word hai to subtraction karna hai. Iske jo bhi ye exercise mein se four sums hai wo diye hai. First one textbook mein already addition karke dikhaya hai. थ्री वर्ड प्रॉब्लम है वहाँ पे, किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है, ये आप सोचो. दैट यू हैव टू थिंक एंड सॉल्व द एक्सरसाइज. आई विल सेंड द आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.8. ओके, तो 3.8 की एक्सरसाइज के आंसर्स जो है, स्टेटमेंट वगैरह नहीं, लेकिन आपको प्लस करना है कि माइनस करना है, जो भी है, उसके टेक्स्ट बुक का पिक्चर निकाल के मैं आपको भेजने वाली हूँ. ओके, सो डोंट वरी, थिंक, राइट इन गुड हैंडराइटिंग, राइट नीटली चिल्ड्रेन. थैंक यू.